हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 8 ऑफ आवर चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। देखिए कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग की बात है कि कैपिटल है जो पैसा है ना जो फार्मिंग में यूज होगा वो कहाँ से आएगा ना क्वेश्चन इज है ना वो कहाँ से आएगा। तो जो स्मॉल फार्मर्स है जिन्होंने आपने पढ़ा ना जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है वो तो करेंगे इसको बोरो है ना वो तो इसको करेंगे बोरो लार्ज फार्मर से क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा है नहीं। तो जो पैसा लगाना है खेती में बीज लाने हैं ट्रैक्टर वगैरह यूज करना है फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इन सब के लिए वो बोरो करेंगे लार्ज फार्मर से या फिर मनी लेंडर्स वगैरह से जो उनको वहाँ पे गांव में लोन देंगे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उनसे है ना जो ब्याज लगाया जाएगा वो ज़्यादा होगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गांव की ठीक है। और ये तो स्मॉल फार्मर्स की बात हुई उसको ध्यान रखेंगे तो बोरो करेंगे लार्ज फार्मर से मनी लेंडर्स से जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उन पर लगाएंगे। और जो लार्ज फार्मर्स हैं या मीडियम फार्मर्स हैं वो खुद की सेविंग्स का क्योंकि देखिए क्या है उनकी तो जो है फसल अच्छी उगती है तो मार्केट में उसको बेचते हैं और पैसा आता है काफ़ी तो उस पैसे को बचा के रखते हैं अगले साल फार्मिंग में लगाने के लिए तो उस सेविंग्स को यूज़ करेंगे फार्मिंग में है ना। उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से पैसा लेने की उल्टा आपने देखा कि ये तो किनको स्मॉल फार्मर्स को लोन देंगे है ना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और जो उनकी सेविंग्स होगी खुद की बची हुई उसको ये कैपिटल में लगाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल की बात होगी पैसा कहाँ से आएगा तो लार्ज फार्मर्स मीडियम फार्मर्स के खुद की सेविंग्स हैं और स्मॉल फार्मर्स बोरो करेंगे लोन के तौर पर लार्ज फार्मर से या मनी लेंडर्स से जिसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। नाउ 7 पॉइंट है पेज नंबर 10th पे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट बनेगा सरप्लस का मतलब क्या होता है सरप्लस का मतलब होता है एडिशनल। देखिए होता क्या है जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान ने 500 किलो अनाज उगाया उसने 100 किलो खुद के खाने के लिए रख लिया तो सरप्लस तो कितना है 400 केजी है ना यही बिकेगा मार्केट में। तो एक किसान जो खुद उगा रहा है वो खाता भी तो उसी से होगा है ना। तो वही बात है तो लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स तो कुछ पार्ट तो रिटेन कर लेंगे है ना रिटेन मतलब बचा के रखेंगे खुद के लिए और बाकी मार्केट में बेच देंगे इससे काफ़ी पैसा कमाएंगे और है ना इससे मनी आएगी। और उस मनी को कहाँ यूज़ करेंगे अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि उससे जो कैपिटल है फार्मिंग में लगा देंगे अगले साल उसको ठीक है उससे इनपुट खरीद लेंगे फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे सीड्स हैं ट्रैक्टर्स हैं इरिगेशन के मेथड्स हैं उन पे पैसा खर्च हो जाएगा। तो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट जो होगा जो खुद के रिटेन करने के बाद बचेगा उसका क्या यूज़ होगा वो फार्मिंग में वापस यूज़ हो जाएगा ठीक है। देखिए बिज़नेस ऐसे ही चलता है हमने पढ़ा है कि बिज़नेस की एक नॉर्मल सी बात ही क्या है कि बिज़नेस ऐसे ही चलेगा आप पहले पैसा लगाएंगे फिर उससे पैसा अगर आपने कमाया तो फिर वापस वही पैसा जो है वही रोटेट होके बिज़नेस में आपको लगाना है इनपुट्स के लिए ताकि अगले साल वापस आप बिज़नेस को कर सकें। ऐसे फार्मिंग में है कि जो आप फार्मिंग से फार्म प्रोडक्ट को बेच कर जो कमाएंगे उसी पैसे को वापस आपको फार्मिंग में लगाना ताकि आप अगले साल के लिए इनपुट्स खरीद सकें ठीक है। ये पार्ट नंबर 8 हमारा पूरा हो जाता है यहाँ पे। पार्ट नंबर 9th में आप लोगों का नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है पालमपुर में उसकी बात करते हैं और उसी के सारे टॉपिक भी आपका इस चैप्टर भी सॉरी है ना एंड हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 9 में बात करते हैं उसकी। थैंक यू।